नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है, उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। तीरथ सिंह रावत के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर सियासी चर्चाओं और अटकलबाजियों का दौर जारी है। इसी क्रम में शनिवार को दिन में 3 बजे देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और इसमें नए मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा। नए मुख्यमंत्री के तौर पर धन सिंह रावत, सतपाल सिंह महाराज का नाम आगे बताया जा रहा है। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया था तब भी इन दोनों नेताओं के नाम चर्चा में थे, लेकिन उस वक्त पार्टी ने तीरथ सिंह रावत पर दांव लगाया था। राजस्थान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक निंबाराम को लेकर इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। वजह यह है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेने के एक मामले में निंबाराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कांग्रेस ने मांग की है कि निंबाराम की गिरफ्तारी की जानी चाहिए। दरअसल जयपुर ग्रेटर नगर निगम में घर घर से कचरा उठाने का काम BVG इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी के पास है। आरोप है कि जयपुर की पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर ने इस कंपनी के 2 कर्मचारियों के साथ बातचीत में रिश्वत मांगी है और इस दौरान वहां निंबाराम भी मौजूद थे। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें कथित रूप से राजाराम गुर्जर को BVG कंपनी के कर्मचारियों से 20 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगते हुए सुना जा सकता है। फ्रांस सरकार ने राफेल सौदे की जांच को लेकर बड़ा कदम उठाया है। भारत के साथ करीब 59,000 करोड़ रुपए के राफेल सौदे में कथित भ्रष्टाचार की अब फ्रांस में न्यायिक जांच होगी। इसके लिए एक फ्रांसीसी जज को भी नियुक्त कर दिया गया है। इस बात की जानकारी एक फ्रांसीसी ऑनलाइन जर्नल मीडिया पार्ट की रिपोर्ट से मिली है। मीडिया पार्ट ने कहा कि 2016 में हुई इस इंटर गवर्नमेंट डील की अत्यधिक संवेदनशील जांच औपचारिक रूप से 14 जून को ही शुरू हो गई थी। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव साफ कह चुके हैं कि वो बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चलेंगे। इस बीच आज आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की है। आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर कहा है कि वो अखिलेश यादव को उनके जन्मदिन की बधाई देने वहां पहुंचे हैं। हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले दोनों नेताओं की इस बैठक को अहम माना जा रहा है। बता दें, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत करने में लगी हुई है और एक के बाद एक मुद्दा भी उठा रही है। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान होगा। 75 जिलों वाले उत्तर प्रदेश में 22 सीटों पर पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। इनमें से 21 सीटें BJP के खाते में गई हैं, जबकि 1 सीट पर SP को जीत मिली है। इसलिए आज 53 सीटों पर मतदान होगा। मतदान सुबह 11 बजे से 3 बजे तक होगा और उसके बाद मतों की गिनती होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को 8 महीने बाद होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। पंचायत सदस्यों के चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वाले BJP की कोशिश किसी भी तरह ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा जमाने की है। कांग्रेस पार्टी भीतरी कलह से लगातार परेशान है। आलाकमान जब तक एक राज्य का झगड़ा सुलझाने के करीब पहुंचता है तो कई दूसरे राज्यों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हुआ यूं है कि हरियाणा कांग्रेस के 19 विधायकों ने पार्टी के प्रभारी विवेक बंसल से मुलाकात की। बताया जाता है कि इन्होंने प्रदेश में मजबूत नेतृत्व की जरूरत बताते हुए हुड्डा को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग की है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि कोई भी विधायक पदाधिकारी पार्टी के प्रभारी से मिलने को आजाद है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी रगों में कांग्रेस का खून दौड़ता है, हो सकता है किसी की रगों में कम कांग्रेसी खून दौड़ता हो। नीतीश सरकार की कैबिनेट के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के इस्तीफा देने की बात पर अड़ने के बाद अब उनके समर्थन में 5 विधायक और 1 मंत्री आ गए हैं। इन सभी ने आरोपों का समर्थन किया है जो सहनी ने लगाए हैं। सहनी ने कहा था कि राज्य में सरकार में चंद अफसरों की ही चलती है, मंत्री विधायक की कोई नहीं सुनता है, इसलिए मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग मंत्री स्तर पर होनी चाहिए, वो अफसर कर रहे हैं, अब इस अपमान के साथ मंत्री पद पर रहना उचित नहीं होगा। जिसके बाद मंत्री के आरोपों का विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, हरिभूषण ठाकुर बचौल ने तो खुलकर समर्थन किया ही। इसके अलावा शुक्रवार को भाजपा विधायक डॉक्टर मिथिलेश कुमार, अरुण शंकर प्रसाद और जदयू के डॉक्टर संजीव कुमार भी सहनी के पक्ष में आ गए। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान ने भी सहनी का समर्थन किया है।
बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान और किरण राव ने 15 साल साथ रहने के बाद एक दूसरे से तलाक लेने का फैसला कर लिया है। दोनों ने एक साझा बयान जारी कर इसकी सूचना भी दी है। आमिर और किरण ने बयान में कहा है कि इन 15 खूबसूरत सालों में हमने एक साथ जीवन भर के अनुभव, खुशी और हंसी साझा की और हमारे रिश्ते में विश्वास, सम्मान और प्यार बढ़ा। अब हम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करना चाहेंगे, पति पत्नी के रूप में नहीं बल्कि बच्चे के माता पिता और परिवार के रूप में। उन्होंने कहा कि हमारे कारोबारी रिश्ते बने रहेंगे, इसके अलावा हम बच्चे का पालन पोषण भी साथ मिलकर ही करते रहेंगे। भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। पिछले 2 महीनों में 34 बार तेल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99.22 रुपये प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल की कीमत 89.23 रुपये प्रति लीटर हो चुकी है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल 105.30 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई के अलावा अन्य मेट्रो शहर जिनमें पेट्रोल 100 के पार हो चुका है वो हैं बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे। इसके अलावा भी देश के अधिकतर शहरों में पेट्रोल या तो 100 के करीब हो गया है या 100 के पार बिक रहा है। भारत में पिछले एक दिन में 44,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 738 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। इसके साथ ही देश में कुल मृतकों की संख्या 4,01,000 के पार हो चुकी है और सक्रिय मामले 4,95,533 हो चुके हैं। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने शुक्रवार को एक बयान कर दावा किया है कि कोवैक्सीन के लिए अंतिम चरण का ट्रायल पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही भारत बायोटेक ने दावा किया है कि कोवैक्सीन में 77.8% की प्रभावकारिता पाई गई है। हालांकि डेटा की अभी समीक्षा की जानी बाकी है। अपने निष्कर्षों को विस्तृत तरीके से बताते हुए भारत बायोटेक ने कहा कि कोवैक्सीन गंभीर कोरोना मामलों के खिलाफ 93.4% प्रभावशीलता भी दिखाती है, तो दूसरी ओर कोवैक्सीन डेल्टा स्ट्रेन के खिलाफ भी 65.2% सुरक्षा प्रदान करती है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।